अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अपनी पढ़ाई के बारे में बताऊंगी, ठीक है जी। और आज मेरा कंप्यूटर का पेपर था, बहुत ज़्यादा मुश्किल आया था, लेकिन मुझे तो आता था सारा, तो मैंने 5 मिनट में कर लिया था। अब मैं आपको अपनी बुक के बारे में दिखा। ये मेरी तर्मापुर कुरान की बुक है, ठीक है। इसका मेरा पेपर है, इसके उन्होंने सूरतें सुनानी होती हैं। ये देखें, ये सूरतें होती हैं हमारी जो कहती हैं, इन्हें इस बुक को ना साफ सुथरे हाथों से पकड़ना चाहिए, ठीक है। ये अलग, क्योंकि अल्लाह तला की बुक है। ये कल मैं इसका मुश्किल सब मुश्किल पेपर है। उसके बाद आती है अरमगान। हमारे स्कूल की बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, जो मैं आपको अभी डिफरेंट जिनके पेपर हो गए उनकी मैं बुक आपको नहीं दिखा रही। ये अरमगान की बुक है। इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है जी। इसमें ये होता है कि हमारी ना रटिंग तो नीट हो जाती है, और हमें वाहिद, जमा और मुज़क्कर मोनस की पहचान आ जाती है। ये देख सकते हैं, मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। उसके बाद आती है अभ्यास। यार अभ्यास तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आती थी, मेरे टीचर तो मुझे खपा खपा के समझाते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आती कसम से। लेकिन फिर भी मैंने देखें, इसलिए हमें ये भी याद करनी होती है, ठीक है जी। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और अभी हमने टूटे, मतलब बहुत ज़्यादा हमारा टूटा हुआ है हर चीज़, मतलब हर चीज़ फटी हुई है हमारी। इस वजह चीज़ें कहती हैं, ये देखिए मेरा काम, क्योंकि देख सकते हैं अभी हमने इतनी बुक करनी है, और हमारा पूरा हमने टर्म हमने आधी बुक कर लेनी है। तो किस किस के बुक्स हैं मुझे प्लीज कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। मुझे तो कल इनका पेपर, और मुझे बहुत 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 ज़्यादा तैयारी करनी है, ठीक है जी। और जो तक कि पढ़ाई तो होती है, लेकिन मुश्किल मामा अंदर गई हुई है, तो अब मैं आपको थोड़ी देर लान की विजिट तो करवा लूँ। ये जो सबसे आप बड़ा वाला दरख्त देख रही हैं, ये है जी ये आम का, ठीक है। अब इससे आम नहीं लगते, तो छोटे छोटे आम लगे हुए हैं। ये है जी किन्नों का, ठीक है। किन्नों का भी छोटे सारे हैं, तो वो भी बहुत बड़े हो जाएंगे, ठीक है जी। देखिए मेरी दादू ने लान कितना साफ रखा हुआ है जी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अंजीर भी है, ठीक है। और उसके बाद ये अंजीर भी सर्दियों में पक जाएगी। उसके बाद ये ग्रेपफ्रूट है, ग्रेपफ्रूट भी जब बड़े पक सर्दियों में पकेंगे तो इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, और मैं खाऊंगी मोटे मोटे से। और मैं आप उसकी वीडियो आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी जब ये बड़े बड़े माशाल्लाह से अल्लाह की कुदरत से बड़े हो जाएंगे। तो लीची आई, देखिए ये भी बहुत छोटी छोटी है, ये भी जब बड़ी होंगी तो मैं आपको सबकी वीडियो बना दिखाऊंगी। और ये पीछे अनार का है, ठीक है जी। और उसके बाद ये एलोवेरा है, ये एलोवेरा है, पहले भी खंडे बहुत हैं। उसके बाद मैं आपको किन्नों का दिखाती हूँ। ये भी छोटे छोटे हैं, ठीक है। जब ये भी बड़े होंगे तो मैं आपके ये भी दिखाऊंगी आपको, ठीक है जी। ये पता नहीं कितने छोटे हैं, ये बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। सर्दी में बहुत बड़े हो जाएंगे, पक जाएंगे। उसके बाद ये रोज का, ठीक है जी। उसके बाद में आपको एक और चीज दिखाती हूँ। आप ये कैसे नहीं पता, चलो जिस जिस के सांस आता है वो भी कमेंट में बता दीजिएगा। ये तरह ये तो आपने बताना, इसको रहने देते हैं हम, लेकिन फिर भी बता देती हूँ आपको कि आप बताना है आपको। आप खुद ही मुझे कमेंट में बता दीजिएगा ये कौन सा है। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी लगी हुई है अंजीरें, अभी ये कच्ची है, ये भी सर्दी में पकेंगी। यहाँ पे इतनी ज्यादा गुलाबी, इतनी ज्यादा गुलाबी, जब इनका फ्रूट पक जाते हैं तो आधे से ज्यादा यही खा लेती है। मैं इतना फ्रूट खा लेती हूँ, ये खराब कर देती है मेरा फ्रूट। और यहाँ पे चिड़ियों की इतनी अच्छी आवाज आ रही है, इतनी अच्छी आवाज आ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है। इतनी इनकी, मतलब मुझे आवाज़ इनकी अच्छी लगती है ना, मम्मा कहते हैं इन चिड़ियों की आवाज़ सुननी चाहिए, ठीक है जी। और आप तो अब मैंने आपको अपने सहन का करवा दिया विजिट, अब मैं आपको अंदर का करवाऊंगी, लेकिन वो किसी दिन और, क्योंकि आपको पता है कि मैंने कितनी पढ़ाई करनी है। सुबह मेरा पेपर है, ठीक है। एक बार मैं पेपर से फारिग हो जाऊँगा तो आप लोग ब्लॉग में भी आप लोग जरूर करना है, ठीक है जी। अब मैं आपको